आप लोग, हम लोग का चैप्टर चल रहा है ट्राइंगल एक्सरसाइज 10.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू डी सी, ये इसका इक्वल है, ठीक है। फाइंड एंगल ए बी सी, क्या फाइंड करना है आपको, एंगल ए बी सी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। ए बी सी देखिए क्या, ये एंगल आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपको बी और डी को जॉइंट करना होगा, बी और डी को जॉइन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने बी और डी को जॉइन किया, देखिए ये दो ट्राइंगल में बट गया, ये पूरा फिगर जो है ये दो ट्राइंगल में बट गया। करना कुछ भी नहीं है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए। एकदम सिंपल है। जब ये ट्राइंगल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं, चलिए, इन ट्राइंगल ए बी डी। एकदम आसान है, एकदम आसान। इन ट्राइंगल ए बी डी देखिए, ये साइड का इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो ए डी का इक्वल है। तो आप बताइए, जब ये साइड का इक्वल है तो इसके जो ये बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस बेस एंगल को यदि मैंने एक्स मान लिया, इस बेस एंगल को एक्स मान लिया, तो ये एंगल कौन से हैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू क्या, दूसरा एंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, एक्स, इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमने एक्स मान लिया है, ये एक्स हमने लेट कर लिया। अच्छा, अब सिंपल सा बात है, देखिए ये ट्राइंगल है ए बी डी, इसके ये तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मतलब 54 प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हुआ, 2x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, आगे 2x फिर क्या होगा, देखिए 2x इक्वल्स टू क्या है, 180 माइनस 54 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 6 है, 7 माइनस 5 टू 126। इससे x का वैल्यू क्या मिला, 126 बाई 2, मतलब 63 डिग्री x निकल गया, मतलब ये पार्ट मिल गया आपको, ये पार्ट निकालना है। सिमिलरली हम लोग इस पार्ट को भी निकालेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान। इस ट्राइंगल का क्या बोलेंगे, बी सी डी, इंट्रा एंगल बी सी डी। अच्छा, इसमें देखिए ये साइड का इक्वल है, मतलब बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। जब ये साइड का इक्वल है तो इसके बेस एंगल्स कौन हुए, ये दो बेस एंगल्स हो गए जो इक्वल होंगे, बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो मैं इसको वाई ले लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो ये बेस एंगल्स क्या कहलाएंगे, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू क्या, इस एंगल के बराबर सी बी डी, सी बी डी इक्वल्स टू क्या, वाई। और ये वाई क्या है, ये हम लोगों ने लेट किया है। फिर वही काम इस पूरे ट्राइंगल में देखिए, वाई प्लस 116 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वाई प्लस 116 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चल, इसके बाद y प्लस वाई कितना, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 116, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू कितना, 10 माइनस 6 कितना, 4, 7 माइनस 1 6, 64। अच्छा, इससे देखिए y का वैल्यू क्या मिला आपको, 64 बाई 2, मतलब 32 डिग्री। तो ये x और y निकाल लिया आपने, y निकलने का मतलब ये एंगल मिल गया। अब एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ध्यान से देखिए, एंगल ए बी सी कहाँ है, ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है, 63,
एक्स कितना 63, वाई कितना 32, मतलब कितना 95, बस आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखिए ये क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, फाइंड एंगल ए सी बी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, एंगल ए सी बी मतलब ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। ये एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ फिर मैं करके दिखाता हूँ। एंगल ए सी बी मतलब आपको ये फाइंड करना है। आप सिंपली पहला काम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे। देखिए ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो 180 से जब 138 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब ये एंगल के लिए क्या करना है आपको, 180 से 138 माइनस कर दीजिए तो 38 टू 42, ये एंगल कितना मिलेगा 42। तो ये एंगल आपको मिल गया। फिर देखिए ये साइड का इक्वल है, ये साइड का इक्वल है, मतलब ये जो दो बेस एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे, ये बेस एंगल्स इक्वल होंगे। फिर देखिए ये एक क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 116 जो होता है 64। अच्छा ये 64 है तो ये भी 64 होगा क्योंकि इक्वल एंगल्स है। अब देखिए आपको ये 64 पता है, ये 42 पता है, तो ये एंगल मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। बस इतना ही करना है, अब इसको लिखना भी तो पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो पहले ये एंगल निकालना है हम लोग को, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या, 180 माइनस 138, अच्छा इक्वल्स टू कितना 42। ये एक पार्ट पहले हम लोगों ने इसे फाइंड कर लिया। फिर क्या है, इसे फाइंड करना था, ये क्या कौन सा एंगल था, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू क्या 180 माइनस 116 इक्वल्स टू कितना 64। फिर आपको ये बताना होगा इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी इसमें कौन से दो साइड्स इक्वल है, सी डी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल एंगल्स होंगे, मतलब सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल्स टू दूसरा एंगल कौन सा, ये एंगल, तो डी बी सी इक्वल्स टू कितना 64, इक्वल्स टू 64। तो ये एंगल आपने बता दिया। इसके बाद ये पूरा ट्राइंगल लेना है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है 42, अच्छा एंगल बी कितना है 64, प्लस एंगल सी, एंगल सी मतलब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। 60 प्लस 40 106 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना 180, अच्छा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 106, अच्छा तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 106 कितना रह गया, देखिए 74, बस यही फाइंड करना था। देखिए कितना सिंपली कंप्लीट हो गया, चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी, ए सिक्स का सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी देखिए क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी ए इज इक्वल्स टू सी ई, सी ए देखिए सी ए कहाँ सी है, सी ए इज इक्वल्स टू सी ई, ये साइड का इक्वल है। एंगल ए सी ई 74 है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल 15 है। आपको x और y निकालना है, कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको समझिएगा। इस ट्राइंगल में देखिए ए सी ई, इस ट्राइंगल में ये साइड का इक्वल है, तो ये एंगल 74 है, ठीक है। जब ये साइड का इक्वल है तो इस ट्राइंगल का बेस एंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल का बेस एंगल कौन है, ये साइड का इक्वल है, तो ये और ये इसके बेस एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे। इसे मैं लेट कर लेता हूँ जेड, इसे मैं जेड लेट कर लेता हूँ। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस जेड को फाइंड करेंगे।
जब ये z मिल जाएगा तो z प्लस x 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इस प्रॉपर्टी से z प्लस x इक्वल्स टू 180, उस वैल्यू से क्या मिल जाएगा हमको, x का वैल्यू मिल गया। अच्छा, जब ये x का वैल्यू मिल गया तो ये ट्रायंगल देखिए ए ई बी एक ट्रायंगल है, ये 15 है, x का कोई एक वैल्यू मिलेगा प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इससे हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे, जब ये एंगल मिल गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, बस क्वेश्चन खत्म। लिखेंगे कैसे, आइए सबसे पहला इस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। इंट्रा एंगल क्या है ये, ए सी ई, इंट्रा एंगल ए सी ई, कौन से दो साइड्स इक्वल है, यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू सी ई है। अच्छा, तो इसके बेस एंगल्स कौन कौन से हुए, तो बेस एंगल है सी ए ई, सी ए ई इज इक्वल्स टू दूसरा बेस एंगल क्या है, ये एंगल है सी ई ए, सी ई ए इक्वल्स टू क्या है, जेड जो आपने लेट किया, जो हम लोगों ने लेट किया। अच्छा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से जब देखेंगे तो क्या आएगा, जेड प्लस जेड प्लस 74 इक्वल्स टू 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एकदम आसान, एकदम बेसिक है, कुछ भी अलग नहीं है, बेसिक है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स जेड प्लस जेड क्या हो गया, ये 2z प्लस कितना 74 इक्वल्स टू 180, ठीक है। आगे देखिए 2z इक्वल्स टू क्या है, 180 माइनस 74। अच्छा, तो z इक्वल्स टू क्या, 180 माइनस 74 कितना, 74 और 6 80 हो गया, और ये 100, तो 106 बाई 2 कितनी बार में, 53। इससे z मिल गया आपको, ये 53 मतलब z मिल गया, ये 53 मिल गया। आगे z प्लस x इक्वल्स टू 180, क्यों, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जेड क्या है 53 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना 180, इससे एक्स मिल जाएगा आपको, एक्स क्या 180 माइनस 53 इक्वल्स टू कितना 53 है 760 और 280, तो 127। ये क्या वैल्यू मिला, एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स कितना 127। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में आएंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, ठीक है, कितना एंगल है 15, 15 प्लस 127, 15 प्लस 127 प्लस ये एंगल, ये एंगल, तो एंगल इसको बोलेंगे हम लोग ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू कितना 180। अच्छा, 127 प्लस 15 कितना देखिए, 7 प्लस 5 12, कैरी 1 है, 2 3 1 4 142 प्लस एंगल ए बी ई इक्वल्स टू कितना 180। अच्छा, फिर आगे देखिए, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 142 कितना 42 और 8 50 हो गया, 50 हो गया, और ये 38 degree। अच्छा, तो ये एंगल आपको मिल गया, ये एंगल कितना है 38। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एंगल किसके बराबर होगा, वाई के बराबर, मतलब एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू वाई, इज इक्वल्स टू वाई, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो फिर आप क्या कहेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 38 degree। इस तरह से देखिए, आपको x और y दोनों के वैल्यू मिल गए, क्वेश्चन में यही तो पूछा था, x और y का वैल्यू, तो इजीली आपने निकाल लिया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, वेयर एंगल ए इज इक्वल्स टू 5x प्लस 20 degree, एंड ईच ऑफ द बेस एंगल, ईच ऑफ द बेस एंगल इज 2/5 ऑफ एंगल ए, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। देखिए,
एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, अच्छा ये ए बी सी, इसमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल ए क्या है ये 5x + 20 degree, एंगल ए क्या है 5x + 20 degree, एंड ईच ऑफ द बेस एंगल, ये दोनों क्या हुए इसके बेस एंगल्स है, ये बेस एंगल्स कितने हैं 2/5 ऑफ एंगल ए मीन्स 2/5 of 5x + 20, ठीक है, तो ये एंगल भी वही होगा 2/5 of 5x + 20। आगे करना क्या है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बेसिक तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है 180 होता है, बस वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। एंगल ए क्या है देखिए 5x + 20, ठीक है अच्छा, प्लस एंगल बी, एंगल बी क्या है 2/5 of 5x + 20, अच्छा एंगल सी क्या है 2/5 of 5x + 20। इन तीनों में देखिए 5x + 20 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ये पार्ट पूरा कॉमन आ गया तो क्या आएगा यहाँ 1, यहाँ से ये कॉमन चला गया क्या रह गया 2/5, यहाँ क्या रह गया 2/5, देखिए कैलकुलेशन कितना आसान है, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, अच्छा आगे ये 5x + 20, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या है ये 5, तो 5 + 2 + 2 इक्वल्स टू क्या 180, अच्छा फिर आगे देखिए 5x + 20 ये क्या है 5 + 4 = 9 × 9, भाई नीचे क्या 5 = 180, एकदम सिंपल है, इस पूरे को उधर भेज दीजिए, मतलब 5x + 20 = 180 × 5/9, 9 × 20 × 25 से कितना 100, अच्छा तो 5x क्या होगा 5x 100 - 20, अच्छा यहाँ से क्या मिला आपको 5x = 80, तो x क्या होगा 80/5, मतलब कितना 16, x क्या है 16, फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए क्या था देखिए 5x मीन्स 5 × 16 + 20, 16 से कितना 80 + 20, ये इक्वल्स टू क्या हो गया 100 degree, बस यही है आंसर, खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ए क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सबसे पहली बात ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बेस बी सी इज प्रोड्यूस टू ई, ठीक है, सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू सी ई, बी सी इज इक्वल्स टू सी ई, ठीक है, कैलकुलेट एंगल ए सी ई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा कैलकुलेट ए सी ई, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ए ई सी ये एंगल फाइंड करना है, ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे पहले आप ये मेंशन कर दीजिए ए बी सी क्या है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एकदम आसान क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड विच इज इक्वल्स टू 60 degree होने चाहिए, मतलब इसके हर एंगल जो है वो 60 होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 60 है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो 60 + this angle इक्वल्स टू क्या होगा 180, ये 60 है अच्छा, प्लस ये एंगल देखिए ए सी ई, एंगल ए सी ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 180, रीजन क्या है स्ट्रेट लाइन, रीजन क्या है स्ट्रेट लाइन, रीजन है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अच्छा आगे जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा, एंगल ए सी ई
इक्वल्स टू 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू कितना 120। ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। ये इक्वल्स टू नहीं है, इसको फाइंड करना है, अलग अलग फाइंड करना है। तो ए सी ई निकल गया। इसके बाद आपको निकालना है ए ई सी, ये एंगल निकालना है, ये मिल गया आपको। अब इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, इसमें क्या है, ये साइड का इक्वल है। जब ये साइड का इक्वल है तो इसके ये दो जो बेस एंगल्स है वो इक्वल होंगे, इसके ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई और वाई लेट कर लेता हूँ। तो कौन से दो साइड्स इक्वल है, ए सी, ए सी इक्वल्स टू क्या है, सी ई है। तो इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, बेस एंगल्स क्या है, एंगल सी ई ए, सी ई ए प्लस ये एंगल को हम लोग बोलेंगे ई ए सी, एंगल ई ए सी। अच्छा, इक्वल्स टू क्या लेट किया आपने, वाई लेट किया। जब ये वाई है, ये भी वाई है, ये लेट किया हम लोगों ने। अच्छा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वाई प्लस 120 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वाई प्लस 120 इक्वल्स टू कितना, 180। यहाँ से देखिए 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, आगे 2y इक्वल्स टू 60। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल्स टू 60/2 मतलब 30, मतलब 30। तो ये एंगल कितना मिला आपको, 30 डिग्री। क्या फाइंड करना था आपको, ए ई सी। तो ए ई सी कितना है, 30 डिग्री, ये मिल गया। ए सी ई कितना था, 120। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर, ये आपको प्रूफ करना है, एंगल बी ए डी इस टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 3:1। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं काफ़ी आसानी तरीके से, इसलिए हम आसान तरीके से मैं इसे प्रूव करूँगा, एकदम सिंपल। ये फिगर आपके सामने है, इसको रीड करिए, इस फिगर को रीड करिए, एकदम बेसिक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, एंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल में ये साइड का इक्वल है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। इस ट्राइंगल में ये साइड का इक्वल है, तो इसके जो ये दो बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, चलिए एक्स मान लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखते, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए, ए सी डी में ये साइड का इक्वल है, तो इसके ये दो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। इसको मैंने वाई कर लिया। अच्छा, आपको जो चाहिए, जो प्रूफ करना है वो क्या है, एंगल बी ए डी बाय एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 3:1 चाहिए था। तो एंगल बी ए डी बोलने का मतलब क्या हुआ, बी ए डी मतलब ये पूरा एंगल x plus y, एंगल ए डी बी, ए डी बी मतलब एंगल y, मतलब दिस बाय दिस इक्वल्स टू क्या चाहिए आपको, 3:1 चाहिए, ये हम लोगों को चाहिए। अच्छा, करेंगे कैसे, एकदम सिंपल है, घबराइएगा नहीं। अच्छा, ये जो ट्राइंगल था ए बी सी में, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो ये कितना होना चाहिए, ये एंगल 180 माइनस 2x होना चाहिए, हाँ या ना बोलिए, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होता है। तो इसका क्या होगा, 180 माइनस 2x। इसको क्यों निकाला मैंने, एकदम सिंपल। अब आप एक बात बताइए, बेसिक बात है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना तो चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल ए, एंगल ए बोलने का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई। एंगल बी मतलब कितना, 180 माइनस 2x। एंगल सी क्या है, वाई इक्वल्स टू कितना, 180 इक्वल्स टू 180। एक्स माइनस 2x क्या है, माइनस एक्स।
वाई प्लस वाई टू वाई, टू वाई इक्वल्स टू 180, ये प्लस था दूसरी तरह भेज दीजिए माइनस 180, ये कट गया। आगे देखिए 2y इक्वल्स टू क्या x, ये माइनस था दूसरी तरफ मैंने भेज दिया तो 2y इक्वल्स टू क्या हुआ x हो गया। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, सम्स खत्म हो गया, खत्म हो गया। x इक्वल्स टू क्या है 2y, इसी वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x क्या है 2y, x क्या है 2y, तो ये 2y प्लस y बाई y। यहाँ से देखिए क्या मिला आपको 3y बाई y, तो ये y y कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या मिला आपको 3:1। यही तो प्रूफ करना था। रुक जाइए, आगे सम्स यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो हम लोगों ने x और y लिखा इसे लेट किया, इसे लिखना पड़ेगा नहीं तो स्कूल के टीचर गुस्से हो जाएंगे, इसलिए इसे आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, इंट्राएंगल ए बी सी, इंट्राएंगल ए बी सी, ये साइड का इक्वल था आपका तो ए बी इक्वल्स टू बी सी था, इससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू दूसरा एंगल कौन सा बी सी ए इक्वल्स टू एक्स, ये आपने लेट किया, लेट किया। आगे आपने तो करके दिखा दिया, सिमिलरली यहाँ जो आपने वाई लेट किया इसे भी दिखा दीजिएगा। इंट्राएंगल, इंट्राएंगल ए सी डी, इंट्राएंगल ए सी डी, इसमें ये साइड इस साइड का इक्वल था, ये साइड का इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू सी डी, तो इसके बेस एंगल्स ये दो हुए तो बेस एंगल्स को हम लोग लिखेंगे एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू सी डी ए विच इज इक्वल्स टू वाई, ये हम लोगों ने लेट किया। आगे जो हम लोगों ने किया इसको कर दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सी क्या, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये एक फिगर गिवन है जहाँ ए बी इज पैरेलल टू बी सी है, पैरेलल टू सी डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बाकी ये फिगर गिवन है, इसको रिलेट करके आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज़ देखिए, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, जब भी पैरेलल हो तो अल्टरनेट का प्रॉपर्टी यूज होता है। देखिए ये ऐसे 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 गया तो जेड बना रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 42 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 42 डिग्री, क्यों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसे देखिए कितने आसानी से आपको x का वैल्यू मिल गया, अच्छा x मिल गया आपको 42 डिग्री। इसके बाद इसको एक नेम कर देते हैं हम लोग, e कर देते हैं। चलिए तो ये ट्रायंगल क्या है, इंट्राएंगल सी ई डी, इंट्राएंगल सी ई डी। इस ट्रायंगल में देखिए ये 24 है, ये 42 है, तो ये एंगल कितना होगा इसको निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। सी ई डी, एंगल सी ई डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, मतलब 22 प्लस 42, ठीक है। आगे 180 माइनस 40 20 66 180 से 66 माइनस करिए कितना आएगा 66 4 70 14 80, और ये 114, तो ये 114 डिग्री ये वैल्यू आ गया। अच्छा अब देखिए इस ट्राइंगल में ए सी ई में ये साइड का इक्वल है, ये साइड का इक्वल है, तो इसके ये दो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो यदि ये वाई है तो ये भी वाई होना चाहिए, बेस एंगल्स इक्वल होंगे तो ये वाई है तो ये भी वाई होगा, तो दिस प्लस दिस क्या होगा वाई प्लस 114 कितना होना चाहिए 180, क्यों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा आगे देखिए y इक्वल्स टू इससे क्या मिला आपको 180 माइनस 114, 10 माइनस 4 6 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया,
तो यहाँ से कितना मिला 66 डिग्री। तो y का वैल्यू आपको मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, अब ये z फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, देखिए ये 66 मिल गया, ये एंगल भी 66 है मिल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही z निकल जाएगा। इंट्रा एंगल ए सी ई, इंट्रा एंगल ए सी ई ये कितना है 66, ये कितना 66, तो 66 प्लस 66 प्लस ये क्या है एंगल z, एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा 66 प्लस 66 कितना 6 प्लस 6 12 132 प्लस z इक्वल्स टू कितना 180। इससे z क्या मिलेगा 180 माइनस 132, ठीक है 10 से 2 गया 8 रह गया, 7 से 3 गया 4 रह गया, यहाँ से क्या मिला 48। देखिए x y z तीनों ही मिल गया, चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से आप बना सकते हैं, खुद भी आप बना सकते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ठीक है, डी ई एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है, ये तो फिगर में दिख ही रहा है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। अब आप एक बात मुझे बताइए, किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलस हो इसके लिए ए बी इक्वल्स टू ए सी होनी चाहिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी। आप कब बोलोगे कि ए बी ए सी के बराबर है, किस कंडीशन में, जब इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो। यदि मैं बोलूं कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, आप फिर क्या बोलोगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, क्योंकि ये बेस एंगल्स इक्वल है। जब किसी ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है आइसोसेलस ट्राइंगल होता है। बेसिकली हम लोगों को ये प्रूफ करना है, यदि हम लोग ये प्रूफ कर दे कि ये एंगल का इक्वल है, तो इससे क्या होगा कि ये साइड का इक्वल प्रूव हो गया। जब ये साइड का इक्वल है तो ये पूरा ट्राइंगल फिर क्या होगा आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। लेकिन ये एंगल इस एंगल का इक्वल कैसे प्रूव करें, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। जैसे ही हम लोगों ने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बस यही काम करना है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इंट्रा एंगल बीईडी, इंट्रा एंगल बीईडी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है डीएफसी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए डी क्या था मिड पॉइंट, क्वेश्चन में है ना डी इज द मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब बी डी इक्वल्स टू डी सी, तो बी डी इक्वल्स टू डी सी है, क्यों डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए ये 90 है, तो एंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ सी, डी एफ सी क्यों राइट एंगल है, राइट एंगल। अच्छा आगे देखिए डी ई इक्वल्स टू डी एफ, डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ ये गिवन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ, डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ ये गिवन है। देखिए आपको तीन कंडीशंस मिल गए, तो ट्राइंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल डी एफ सी, क्राइटेरिया क्या था आर एच एस, आर एच एस के प्रॉपर्टी से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके जो ये एंगल है, ये एंगल एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी इक्वल्स टू क्या होगा एंगल डी सी एफ, डी सी एफ क्यों, तो ये ट्राइंगल ये एंगल का इक्वल है
CPCT, बस ये सिर्फ लिख देना है आपको। जब ये एंगल का इक्वल हो गया, इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। जब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस प्रूव्ड हो गया। बस यही तो करना था आपको, खत्म। चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए।